शराब से स्मैन की धारदार हथियार से बेखौफ हमलावरों द्वारा की गई हत्या। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा। प्राप्त जानकारी के अनुसार मतौली थाना क्षेत्र के दतेली गांव में सड़क के किनारे स्थित शराब की दुकान पर सीताराम पुत्र गोवर्धन लाल उम्र 42 वर्षीय सेल्समैन का काम करता था। मड़िया पुलिस चौकी क्षेत्र के गांव दतेली में 30 अक्टूबर दिन बुधवार देर शाम को जब सीताराम अपनी दुकान पर बिक्री कर रहा था, साथ में भतीजा पुष्पेंद्र भी था। पुष्पेंद्र ने बताया कि ओढ़रा गांव के ही कमल किशोर अवस्थी व आदेश कुमार यादव दुकान पर आ धमकी और शराब को लेकर सेल्समैन के साथ बातचीत होने लगी। थोड़ी देर बाद चीत ने झगड़े का रूप ले लिया। झगड़ा इतना बढ़ गया तो लोगों ने धारदार हथियार से दोनों चाचा भतीजे पर हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मितौली थाना क्षेत्र की मड़िया चौकी प्रभारी ललन सिंह ने मौके पर पहुंच करके आवश्यक कार्रवाई के साथ साथ कुछ अधिकारियों को घटनाक्रम के संबंध में अवगत कराया। पुष्पेंद्र को इलाज के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मितौली भेजा गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक मितौली शमशेर बहादुर सिंह तथा पुलिस अधीक्षक खीरी गणेश प्रसाद सहा ने मौके का मुआयना करते हुए शीघ्र वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित की है। क्षेत्राधिकारी मितौली शमशेर बहादुर सिंह से वार्ता के क्रम में बताया कि दोनों अभियुक्तों आदेश यादव व कमल किशोर अवस्थी ग्राम ओढ़रा को थाना प्रभारी मितौली राजू राव में टीम सहित गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।